गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ का ये सेकेंड चैप्टर है इशू, जिसमें हमें बहुत सारी बातों को देखना है। तो सबसे पहले हम इशू का डिफिनेशन देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू एकॉम्प्लिश ए पर्टिकुलर फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। कोशिकाओं का समूह आपस में मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं, जो किसी न किसी स्पेशल फंक्शंस को संपादित करते हैं। सबसे पहले टिश्यू को दो ग्रुप में बांटी गई। टिश्यू आर कैटेगराइज्ड एज प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू के अंतर्गत फ्लोइंग आर द मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। फिर प्लांट टिश्यू को दो ग्रुप में बांटी गई, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। फिर फर्दर सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एपिडर्मिस और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंतर्गत दो है, जाइलम एंड फ्लोएम। अब इन सभी के बारे में हमें एक एक करके विस्तार से देखते हैं कि इसका क्या फंक्शंस है और प्लांट टिश्यू जो डिफरेंट अलग अलग हैं किस काम को करते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट हमें प्लांट टिश्यू का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसके बारे में हमें देखना है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेनली कंपोज्ड ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल एंड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड thickening the stem of the plants. Meristematic tissue commonly present in the primary growth region of a plant, for example in the tips or in the tips of stems or root. yani ki ye meristematic tissue jo plants ke jo parts hai, stem hai, roots hai, uske tips region mein ye pai jati hai. depending on the region where the meristematic tissue are found, meristematic tissue are divided as apical, lateral and intercalary. यानी कि depending on the region, region के आधार पे meristematic tissue को तीन वर्गों में classified की गई, apical, lateral and intercalary. ये तीनों जो regions हैं अलग अलग functions को करते हैं। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स एंड हेल्प्स इन देयर ग्रोथ। तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम है ये ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, रूट्स का और स्टेम का जो ग्रोइंग पोर्शन टिप्स है उस रीजन में पाई जाती है और इसका मेन फंक्शन है उसे ग्रोथिंग करना, यानी कि उसके ग्रोथ में ये अहम भूमिका निभाती है। लैटरल मेरिस्टेम इज फाउंड इन स्टेम और रूट रीजन एंड हेल्प्स इन ग्रोथ। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज फाउंड एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स एंड हेल्प्स इन ग्रोथ। इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स में पाई जाती है और उसे इंक्रीजिंग करने में, ग्रोथिंग करने में अहम भूमिका निभाती है। अब बात आती है परमानेंट टिश्यू। तो सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेटर डिफरेंटिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू इज फर्दर कैटेगराइज्ड। ये परमानेंट टिश्यू को दो ग्रुप में कैटेगराइज की गई, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू आप सिंपल, ये बिल्कुल सिंपल होता है, इसका स्ट्रक्चर भी सिंपल होता है। दे आर मेड अप ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। ये सिंपल टिश्यू है, ये सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बना होता है। हेयर ऑल द सेल्स
tissue are similar and have the same structure with same type parts. Simple permanent tissue are again classified into three main types. They are parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. तो सबसे पहले पहला जो इसका पार्ट है parenchyma. The cells of this tissue are living with thin cell walls. ये living cells हैं. Thin cell walls इसमें पाई जाती है. Cells can be oval or round in shape. इसका structure जो है ये oval shape में भी cells हैं, round shape में भी है. They have a large central vacuole and has a dense cytoplasm. The parenchyma tissue is located in the soft parts of the plant, such as cortex and pith. It mainly acts as a packing tissue. इसे packing tissue के नाम से भी जाना जाता है, providing mechanical support. जो plants को mechanical support देता है. It also helps in storage of food. साथ ही साथ storage of foods में ये अहम भूमिका निभाती है.